लड़के मिलते हैं बेल्ट। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वानिया फैशन। और आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे आप सभी का फेवरेट वाला हैंडबैग्स का हॉल लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत ही प्रिटी हैंडबैग्स मंगवाए हुए हैं मीशो से। मीशो पर बहुत अच्छी रेंज अवेलेबल है हैंडबैग्स की। सारे कहते हैं कि अमेजोन पे अच्छे हैं, फ्लिपकार्ट पे अच्छे हैं, फिर मिंत्रा से लें। मिंत्रा पे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड है, लेकिन थोड़ी सी जो रेंज है वो हाई है वहाँ पर। मतलब लाइक कुछ ज़्यादा ही अगर आप अच्छे वालों के साथ जाओ तो आपको 2000-3000 के मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमको बहुत अच्छे बैग्स जो हैं वो कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो ऐसे जो बैग्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है। आज मैं आप सभी के लिए स्पेशल सर्च कर करके बहुत ही अच्छे कलर्स में बैग्स, पोटली बैग्स और वेस्ट बेल्ट जो आते हैं बैग के साथ वो काफ़ी कुछ लाई हूँ। और इसके बाद जो है ना उसमें झोला बैग्स और काफ़ी कुछ है आपके लिए, तो कंटिन्यू जो है बने रहिए, मान्या फैशन को सब्सक्राइब कर लें तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करें। फर्स्ट बैग जो आज मैं आप सभी के लाई हूँ, ये ना रेड कलर है ना मरून है, बहुत ही प्रिटी टमाटरी रेड सा कलर है। और इसमें आपको इस तरीके से ब्लैक तो नहीं कहेंगे, चॉकलेटी कलर के मिलते हैं बेल्ट। और इसी में आपको अंदर मिल जाते हैं इनके बेबी बैग्स। तो जो बेबी बैग्स होते हैं ना उनको देखने के बाद दिल बड़ा खुश हो जाता है। तो ये देखो बड़े सोने सोने से बेबी बैग्स हैं। ये बटुए वाला बेबी बैग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। और ये वाला भी देखो ऐसे वाला है, आप इसको अलग से सीलिंग बैग जो कहते हैं वो रिसीव होता है। जिप बहुत अच्छी है और इसमें गोल्डन कलर की देखो इस तरीके से एक आउटिंग सी लगी हुई है, तो इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और ये बटुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक और है, नहीं बेल्ट है। तो दो बेबी बैग्स मिल जाते हैं। और आपको तो आपको ये वाले बेल्ट के बाद मिलता है ये वाला बैग, जो कि देखो यहाँ से तो कोई जिप या कुछ भी नहीं है, बस आप अपनी नॉर्मल चीज़ें जो आपको ऊपर रखनी होती है वो डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपको जिप मिल जाती है और यहीं पर आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं यहाँ पर ऊपर में, तो स्पेस बहुत अच्छी है। अगर आपके छोटे बेबीज है और आप चाहते हो कुछ अच्छा और अपनी भी चीज़ों के लिए चाहते हो कि आप उसको ऐसे मतलब इसको तो पकड़ लो या गाड़ी वगैरह में रख दो, लेकिन ये सीलिंग बैग आप ऐसे तरीके से टंगा के रखना चाहते हो, इसमें आप अपने छोटा मोटा कैश रखना चाहते हो, मोबाइल रखना चाहते हो। बेबीज़ के साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कैरी नहीं कर पाते, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं जो है आजकल थोड़े से बड़े साइज़ के बैग्स देख रही हूँ, तो मुझे जो ऐसा कलर भी अच्छा लगा है, बेल्ट भी अच्छा लगा है, इसके जो बेबी बैग्स हैं वो भी अच्छे लगे हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ना बेस्ट है, कलर बहुत अच्छा है। इसके इसी सेम जो है आप अगर फुटवेयर ले लेती हैं ऐसे ही और ये वाला बैग, मतलब बहुत अच्छा जाएगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आज का सेकेंड बैग और ये है क्यूट बेबी पिंक कलर का। और इसमें जो है आपको इस तरीके से रिबन्स मिल जाते हैं वन साइड, जो बहुत अच्छे से इसमें टाइप किए हुए हैं, जिसके लुक जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं। और ये प्यारा सा यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटू सा पिंक कलर का क्लच। अब आपको पीछे यहाँ पे एक जिप मिल जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। और आपको इस तरीके से बहुत सारे कचरे के साथ रिसीव होता है। इसमें कोई बेबी बैग नहीं है, एक बेल्ट है। तो आपको ये वाले बेल्ट्स मिल जाते हैं और एक लॉन्ग बेल्ट मिल जाता है। अंदर आपको एक जो है ओपन करने के बाद जो अंदर जो स्पेस है वो काफ़ी सारी मिल जाती है, मतलब ये सेंटर वाली है जहाँ पे जिप लगी हुई है, इधर भी स्पेस है, इधर भी है, साइड में पॉकेट्स भी। तो ये वाला भी जो स्टाइल है वो अच्छा लग रहा है, लाइक देखो इस तरीके से है। और बेबी पिंक कलर के जो बैग्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। जो कलर है ना ये पीच नहीं है, बेबी पिंक है। और बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, आपको जो है ठीक है, मतलब अगर छोटे बेबी है तो फिर तो ये छोटा है, लेकिन आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर आपको अपने ही यूं ही मार्केट वगैरह के लिए चाहिए या फिर नॉर्मली ऐसे ही चाहिए या फिर आप नॉर्मल थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही है बेबी के साथ, तो अपना सामान रख सकती हैं या फिर किसी भी तरीके से ले सकती हैं। तो ये है आज का नेक्स्ट प्यारा सा बेबी पिंक कलर का बैग, जो कि बहुत सोना लग रहा है। ये आज का नेक्स्ट पोटली बैग्स, और ये पोटली बैग्स जो है मैंने मंगवाए हैं, आप देखेंगे आगे आगे क्यों, क्योंकि मैंने एक अपने लिए ड्रेस मंगवाया है जो कि बेबी पिंक कलर का कुर्ता है और पैम्पलिन स्टाइल है, और उसमें हमको शरारा मिल जाता है, तो हम पिंक और मरून कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये वाला जो है पोटली बैग उसके लिए मंगवाया है, जिसे पूरे ही ग्लास लगे हुए हैं और उसी के साथ ये कॉम्बिनेशन में एक साथ आए हैं, मतलब ये जो है कॉम्बो है दोनों, तो आपको दोनों ही मिलते हैं। तो मैजेंटा तो मुझे इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन बेबी पिंक की थी, और दोनों ही बैग सेम लग रहे हैं, इन पे ग्लास वर्क है और बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस तरीके से पर्ल की पूरी इसमें जो है लड़ी मिल जाती है, साइडों में डोरियां मिल जाती है ऐसे, तो आप जो है इनको इस तरीके से खींच सकती है, सामान रखने के बाद ये पूरी ही जो है राउंड एक शेप ले लेगी। अभी तो ये खाली है, भरने के बाद बहुत अच्छी लगती है, तो फिर आप इसको इस तरीके से छोड़ सकती हैं और लेने के बाद ये बहुत अच्छा लुक देगी, या फिर आप ऐसे भी ले सकती हैं स्ट्रेट, इसमें मोबाइल कार्ड ऐसा कुछ आप रख सकती हैं। तो वेडिंग्स वगैरह में हमारे जो होते हैं अच्छे हैवी ड्रेसेस जो होते हैं, इंडियन ड्रेसेस होते हैं, साड़ीज होते हैं, उनमें बहुत अच्छे जाते हैं। तो ये वाले जो कॉम्बो है ना आपको 12K मिल जाएंगे पोटली बैग्स में, 6K, 5K, 2K सिंगल भी मिल जाएंगे, तो सारे ही तरीके की रेंज जो है वो मीशो पर अवेलेबल है और कहीं नहीं है। तो ये है आज की नेक्स्ट पोटली बैग्स, जो कि रिक्वेस्टेड है।
और पिंक कलर तो मुझे चाहिए था। नेक्स्ट बैग और ये है बहुत ही प्रिटी ब्राउन और इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट में, जो कि लेदर इसका बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली तो बैग की लुक जो है बहुत प्यारी आ रही है। सीलिंग बैग है, फ्रंट आपको जिप मिलती है छोटी सी, छोटे मोटे कार्ड्स कैश मोबाइल रखने के लिए। उसी के ऊपर ये दूसरी वाला पार्ट जो है आपको मिल जाता है, ठीक है, कोई भी सामान रखने के लिए। फिर आपको यहाँ पर दो है मिल जाते हैं इसमें, यहाँ पर भी, तो आप जो है चीज़ें अपनी बहुत अच्छे से डिवाइड करके रख सकती हैं। तो ये दो है, एक इधर, अंदर भी पॉकेट है और पीछे भी इसमें जिप है। तो एक छोटा सा बैग होता है लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है कि आप बहुत ही सिस्टमेटिक सारी चीज़ें अच्छे से रख सकती हैं। ये बैग कुछ वैसा है और लुक वाइज बहुत प्यारा है। प्राइस के अकॉर्डिंग मैं सीरियसली बोलूँगी मस्ट बाय है। तो ये वाला जो बैग है मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैंने ये वाले बैग जो है वो दो मंगवाए हैं, तो एक वहाँ रखा हुआ है, तो ये दो मंगवाएं क्योंकि एक मैं किसी को गिफ्ट कर रही हूँ। तो ये है आज का बैग जो कि रिक्वेस्टेड था और सीरियसली बोलूँ क्वालिटी इतनी अच्छी मिली कि मुझे तो काफ़ी दिनों पहले रिसीव हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने सेकंड और मंगवा लिया था, वो भी आ चुका है और वीडियो में आपको अब दिखा रही हूँ। तो ये मस्ट बाय है बिल्कुल, तो मैं कहूँगी आपको इस वाले बैग के साथ जाना चाहिए क्योंकि सच बताऊँ तो बैग्स अगर आप ऑर्गेनाइज अच्छे से करते हो ना तो आपको बहुत ईजी हो जाता है उसे कैरी करना, लेना, बार बार आपको जिप खोलनी नहीं पड़ती। और जिसमें ज़्यादा मतलब पार्टीशन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। तो ये बैग कुछ वैसा है। आज का नेक्स्ट बैग मैंने आपसे ऐसे प्रिंट में ना एक बैग शेयर किया था, सिर्फ फ्लावर्स बने हुए थे, तो उसमें रिक्वेस्ट आई थी कि ये वाला शेयर कर दो। तो मैं सच बताऊँ अंडर 300 में इस तरीके के बैग्स मीशो पर अवेलेबल है जिसमें आपको इतने अच्छे प्रिंट्स मिल जाते हैं। और भी इस तरीके के बैग्स जो है मुझे रिसीव हो रहे हैं जो आपको नेक्स्ट जो बैग की वीडियो आएगी उसमें मिलेंगे। तो ये वाले जो बैग्स है ना, मतलब ये फैब्रिक प्रिंट में है और इसमें स्पेस काफ़ी अच्छी है, छोटे से है, लाइट वेट है और आप वॉश भी कर सकते हो। जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है देखो ऐसे, और मतलब पूरा ही जो है इसमें जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे कि नॉर्मली अगर हम कैरी करना चाहते हैं लेते हुए बड़े जचते हैं बैग, क्योंकि इसका प्रिंट बहुत प्यारा है। तो प्रिंट इसमें सारे ही कलरफुल है, अच्छे अच्छे है, डिफरेंट है। इसके बाद भी जो मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी उसका भी प्रिंट बहुत अच्छा है। तो ये सिर्फ आपको मिल जाता है 2 समथिंग में, जिसका मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पर लगा दूंगी, आप चेक करना। मैं कहूँगी मस्ट बाय, मतलब बिल्कुल पैसा वसूल वाला हैंड बैग। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगा है। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी CYW का बेस्ट हैंड बैग है, जिसका कोड आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो मेरी दी हुई लिंक से आप मुझसे बोलते हो आपका कोड कौन सा है, तो मेरा कोड नहीं है, मैं लिंक कमेंट पिन करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। उसे मीशो ऐप को डाउनलोड करके आप शॉपिंग करना स्टार्ट करें और अच्छे वाले डिस्काउंट्स लें और ये वाला बैग तो जल्दी से ऑर्डर कर दें। नाउ देख लेंगे आज का नेक्स्ट बैग, जिसे बैग नहीं वेस्ट बेल्ट बोलेंगे, मतलब बैग का भी काम करती है, बेल्ट का बेल्ट ही बोलेंगे काम करती है। आप अपने वेस्ट पे इसको इस तरीके से टाइप कर सकती हैं और उसके बाद अपना मोबाइल, कार्ड्स, थोड़ा बहुत कैश, मतलब अगर आपके पास न्यूबॉर्न है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी आपको अपने हाथ फ्री रखने हैं और सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो इसके जो प्राइजेस है ना अदर वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा है, हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो ऐसी रिसीव होती है, लेकिन अफोर्डेबल अगर आप कुछ चाहते हो तो मैं कहूँगी आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये रेड एंड ब्लैक कलर का है। एक्चुअली मैंने मेरे बेबी का जो फ्रंट एंड बैक होल्डिंग बेल्ट आता है वो मंगवाया, वो रेड कलर का है, जो मैंने मेरे न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग में आपके साथ शेयर किया था। इसलिए मैंने जो है दिस टाइम इसको भी रेड मंगवाया कि अगर मैं वो ले लेती हूँ बेबी के लिए, तो मैं कभी ट्रैवलिंग में रहूँ तो मैं तब ये वाला यूज़ करूँगी। तो आगे आगे होगा ऐसा कि मैं ट्रैवलिंग करूंगी तो उस टाइम पे ये सारे चीज़ें मुझे बहुत काम आएगी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें आपको एक तो लॉन्ग बिल्कुल बैक में जिप मिल जाती है जिसमें मोबाइल बहुत इजीली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दो मिल जाती है, एक में कार्ड, एक में कैश या छोटी मोटी कोई ऐसी चीज़ जो आप रखना चाहते हो अपने आसपास, तो ये बेस्ट है। और यहाँ से पूरा सेट हो मतलब एडजस्ट हो जाता है, ओपन हो जाएगा लाइक ऐसे। और जो बेल्ट है यहाँ पर आपको दिए गए तो आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब आप 36 है आपका या फिर 40 है, देखो बहुत बड़ा है, तो आप जो है अपनी वेस्ट पे इसको सेट करके अच्छे से टाई कर सकते हो। इंडियन ऐसा नहीं है कि आप सूट वेयर कर रहे हो तो नहीं लगा सकते, बिल्कुल से लगा सकते हो। नॉर्मली हम घर से बाहर बच्चों को वॉक करवा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए हमारे जो हाथ है वो फ्री रहे और सारी चीज़ें हमारे पास रहे, तो आप बिल्कुल से कहूँगी मस्ट बाय है, न्यू बॉर्न ममाज के पास होने चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे समटाइम अगर आप किचन में बिजी हो तो इसे लगा लो और अपने काम करते रहो, तो आपको ये चीज़ कहाँ गई, मोबाइल कहाँ गया, वो कहाँ गया, ऐसा नहीं होगा, आपको सब कुछ अपने पास ही मिल जाएगा। तो जितने बैग्स मैंने आपको दिखाए आप सभी की रिक्वेस्ट पे थे, कुछ मेरी वाली जरूरत के जो मैं आपको बताए, और नेक्स्ट हॉल मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ जो कि बिल्कुल मस्ट बाय होने वाला है। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और बैंगल्स का हॉल वीडियो जाके जल्दी से चेक करें और मुझे बताएं वो कौन सी वाली बैंगल सेट बहुत अच्छी लगी, व्लॉग भी जाके चेक करें। सो मिलते हैं बहुत जल्दी में नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय। और मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मुझे आता है जल्दी जल्दी बात करना, स्लो बात करना,